Hello everyone, I welcome you all to the last video of our lesson number 1 and it is Mitochondria surrounding. Okay, तो last video में हम लोग थे evaporation topic पे, इस video में हम शुरू करते हैं how does evaporation cause cooling. Okay, चलो, in an open vessel the liquid keeps up evaporating, यानी कि जो evaporation हमने पढ़ा था तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो evaporation है वो कैसे होता है. उससे क्या होगा कि जो हवा है हमारे आसपास उसमें से पानी जाएगा तो वो उसे ठंडा करेगा, तो जो हमारा क्लाइमेट है वो हल्का हल्का, मतलब हमें ह्यूमिडिटी फील होगी, गर्मी लगेगी लेकिन थोड़ा सा राहत भी हमें लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो टेम्परेचर को कूल कर देगा. ठीक है, चलो हमारा लास्ट पेज ऑफ चैप्टर है 10 पेज नंबर. ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन यू योर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. यहाँ पर एक कुछ भी एक आपको नेल पॉलिश निकालना है तो आप यूज करते हो एक नेल पॉलिश रिमूवर का क्या आता है. और बॉयज आपकी जो मम्मी है या बहन है उनको आपने कभी ना कभी नेल पॉलिश लगा देखा होगा, नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हुए देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो एक बार अपने मम्मी या अपनी बहन से मांग कर देखना. ठीक है, तो क्या होता है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसका एक्चुअल जो केमिकल होता है वो केमिकल कौन सा होता है, वो होता है एसीटोन. ठीक है, एंड में जब आप आओगे तो एसीटोन क्या क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फॉर्मेशन है, उसके उसे आप पढ़ोगे. फिलहाल डीपर नहीं जाना है, समझना है कि एसीटोन से क्या होता है. तो जो एसीटोन है उसे अगर आप अपने हाथ पर रखोगे तो क्या होगा, वो विद इन फ्यू सेकेंड वो गायब हो जाएगा. बोलो ऐसा क्यों होता है. तो होता इसलिए है कि जो आपका हाथ है उसका जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है, उसको जो चाहिए टेम्परेचर यानी जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम है, तो आपका जो हाथ की जो गर्मी है वो भी उसे इवेपोरेट करने के लिए काफ़ी है, समझ रहे हो. तो जैसे रखोगे वैसे वो गायब हो जाएगा. जैसे कि अगर आप देखोगे तो हैंड सैनिटाइजर है उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, जब आप उसे अगर हाथ में रखते हो हल्का उसे अगर घिसते हो ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाता है. तो क्या होता है उससे, वो एक हमें समझना है ये पूरा प्रोसेस है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof of or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Can you यानी कि समझो कि आपने देखा होगा कि ऐसे कि गर्मी है और अगर किसी गरीब आदमी जो बेचारा घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, मान लो समझ अगर झोपड़ा है उनका, ओके, तो ये वो क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा. चलो उसको हटाओ, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ. अगर आप अपने गाँव में अगर आप रहे हो या फिर अगर घर में आपके मटका है, मटका जैसे हम पानी पीते हैं मिट्टी का घड़ा, ठीक है, तो उसे ठंडा रखने के लिए गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में तो उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर और अगर ठंडा पानी लगा को पीना है तो आपने देखा होगा कि उसको उसके घड़े के ऊपर कपड़ा डाल करके कपड़े को हल्का सा उसमें कपड़े के ऊपर पानी डाल करके उसे उसे गीला कर दिया जाता, गीला कर देते हैं. ऐसा करने की वजह यह है जब वो गीला हो जाता है तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसका वो कंट्रोल हो जाता है. यानी कि घड़ा अगर गर्म है ऐसे होता नहीं है, लेकिन गर्म हो जाता है गर्मी के वजह से, आउटर टेम्परेचर की वजह से, जो पानी है वो उसको ठंडा कर देता है, उसके ऊपर एक एक मतलब फ्रेंडली मतलब उसको एक सपोर्ट दे देता है और उसको ठंडा कर देता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हमें गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कॉटन है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, गर्मी है तो स्वेट आपका यानी पसंद आपको होगा ही होगा, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है. तो गर्मी होगा पसीना होगा तो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो गीला हो जाएगा कपड़ा, मतलब गीला होगा ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा कूल फील होगा, बेटर फील होगा. ठीक है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जून का महीना है, ठीक है, हमारा जून चल रहा है, तो जून में भी थोड़ी अभी गर्मी हमारे बाकी है, तो गर्मी लगती है तो क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो हमारे पास के लिए तो मुझे भी स्वेट होता है, पसीना होता है. जब पसीना होता है, जब कपड़ा भीगता है तो क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है, नॉर्मल फील होता है. ओके, तो ये वजह होती है. चलो आगे देख लेते हैं फटाफट.
why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो जब आइस कोल्ड वाटर यानी कि अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने ठंडा पिया होगा? ऑलमोस्ट सबने पिया है, मैंने भी पिया है, आपने भी पिया है, रेस्टोरेंट जाते हैं या घर में गैस आता है तो उनके साथ शेयर करते हैं, हम पीते हैं ठीक है बैठ करके। तो क्या होता है हम जब उसे लेते हैं ग्लास में, वो चिल्ड होने की वजह से ग्लास के बाहर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको पानी कुछ बूंद दिखती है। ऐसा क्यों होता है कि बाहर का टेम्परेचर गर्म है, अंदर हमें डाल दिया कुछ ठंडा चीज़ हमें उसमें डाल दिया ऐड किया है, अंदर ठंडा है बाहर गर्म है, तो बाहर से उसे कूल करने के लिए उसमें से जो एयर पोल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो पानी है वो बाहर उसे कवर कर लेता है। ओके चलो, तो यहाँ पर आज हमारा लेसन होता है फिनिश। आई होप आप सब ने समझा होगा, देखा होगा मेरे सारे वीडियोज को, और हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।